हाय, वेलकम बैक टू रिशन इंटीरियर्स। हमारे पिछले वीडियोस में हम इस ऑफिस रूम को ड्राफ्ट करना, उसकी स्पेस प्लानिंग करना और ऑफिस की फॉल सीलिंग बनाना सीख चुके हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाना। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर राइट टॉप में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ जाके सारे वीडियोस देखिए ताकि आज की वीडियोस आपको और क्लियरली समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीलिंग का ड्राइंग रेडी होने के बाद में हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए हम इसकी डायमेंशन और हैचिंग वाले लेयर को ऑफ कर देंगे क्योंकि इसकी अब हमें नीड नहीं है। LAYOFF लेयर ऑफ डायमेंशन और हैचिंग के लेयर को हम ऑफ कर देंगे। बाकी के प्लान को हम कॉपी कर लेंगे। ये हमने प्लान कॉपी कर लिया ताकि इसी फॉल सीलिंग के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही हम अपना आगे का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बना सकें। तो सबसे पहले हम फैन की पोजीशन ले लेंगे। फैन की पोजीशन लेने के लिए हम पूरे रूम का सेंटर हमेशा यूज़ करते हैं, पर हमारे इस रूम की डिज़ाइन कुछ इस तरह की है कि हम इस पूरे रूम का सेंटर नहीं ले सकते, तो हम सिर्फ इस एरिया का सेंटर लेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन अलग से एक डिज़ाइन है, ये पैटर्न, और ये पैटर्न अलग से है। प्लस यहाँ पे हमारा फर्नीचर आ रहा है, हमारा जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के हिसाब से हमारा टेबल यहीं कहीं आ रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पे इसका सेंटर लेके और यहाँ पे फैन प्लेस कर देंगे। इस रूम का सेंटर हम इस तरीके से ले लेंगे। लेजेंड्स हम बना के रखते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स में यूज़ करने के लिए। अगर किसी को इन लेजेंड्स की नीड है तो आप हमें कमेंट में ही बता सकते हैं ताकि हम इसका लिंक आपको दे देंगे या फिर ये फाइल आपको मेल कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम अब हम अपना फ़ैन प्लेस कर लेते हैं। फ़ैन का डायमीटर हम कितना रखते हैं, छोटा फ़ैन यूज़ करें 2.5 फीट डायमीटर का या फिर 3 फीट डायमीटर का, उसी अकॉर्डिंग आप अपना फ़ैन का डायमीटर डिसाइड कीजिए। हमने 13 इंचज डायमीटर का फ़ैन प्लेस किया है। उसके बाद में सेकेंड जो चीज़ आती है वो है स्विच बोर्ड। हम रूम में एंटर करते ही सबसे पहले हमें लाइट ऑन करनी होती है ताकि पूरे रूम को हम देख सकें। तो उसके लिए हम मेन एंट्री के पास ही एक स्विच बोर्ड लगाते हैं जिससे लाइट्स का एक्सेस हो। उसके लिए हम एक स्विच बोर्ड यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड हो गया। दूसरा स्विच बोर्ड हम लगाएंगे टेबल के पास क्योंकि हमें प्रिंटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर सब चीज़ों के लिए एक स्विच बोर्ड की नीड होगी। प्लस अगर आप चेयर्स पे बैठे बैठे ही अपने लाइट्स को या फैन को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्विच बोर्ड टेबल के पास होना ज़रूरी है। तो एक स्विच बोर्ड हम यहाँ लगा देंगे। स्विच बोर्ड के साथ साथ हम एक टेलीफोन पॉइंट लगाएंगे टेबल पे। साथ ही 2 16 एम्पीयर के सॉकेट लगाएंगे। चार्जिंग के लिए लैपटॉप एंड प्रिंटर्स के लिए 6 एम्पीयर का एक सॉकेट लगाएंगे मोबाइल चार्जिंग के लिए। ये सारे सॉकेट्स हमें चाहिए होंगे टेबल के पास में। हमारे कैबिनेट में अगर आप कुछ ओपन शेल्फ के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कैबिनेट में कैबिनेट लाइट्स डाल सकते हैं। तरीके से आप कैबिनेट लाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब सीलिंग में हम प्रोफाइल लाइट देना चाहते हैं। प्रोफाइल लाइट देखने में अच्छी दिखती हैं और अभी बहुत चलन में भी हैं, तो सीलिंग में हम प्रोफाइल लाइट डाल सकते हैं इस तरीके से। रेक्टेंगल शेप में, कोई भी शेप में हम ले सकते हैं प्रोफाइल लाइट्स को, जैसा भी शेप आपको पसंद हो और आपकी डिज़ाइन से मैच करता हो।
इस तरीके से प्रोफाइल लाइक का डिज़ाइन हमने बना लिया। इस तरफ में हम कोब लाइट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोब बना के लाइट्स हमने हमारी फॉल सीलिंग की डिज़ाइन में दिखाई थी, उसी तरीके से कोब लाइट आप यहाँ दिखा देंगे। कोब लाइट के साथ ही यहाँ पे हम चार पॉइंट सीलिंग लाइट के डाल देंगे। सीलिंग भी हमारी थोड़ी डेकोरेटिव लगे। इसके अलावा हमने अपने इनिशियल वीडियोस में बात की थी कर्टन के पीछे एक ड्रॉप लाइट की, तो उसके लिए भी हम कंसील लाइट का पॉइंट दिखा देते हैं यहाँ पे। हमें इस रूम में इतने ही पॉइंट्स की नीड है। अगर कोई एक्स्ट्रा नीड आपको लगती है कि कहीं हमारे पास एक्स्ट्रा लाइट पॉइंट होना चाहिए या फिर सॉकेट होना चाहिए या स्विच बोर्ड होना चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। अगर आप वॉल लाइट, तो उसमें वॉल लाइट, वॉल माउंटेड लाइट पॉइंट का हमारे पास सिंबल है, उस तरीके से आप यहाँ पर वॉल लाइट अगर डालना चाहें, आपके डिज़ाइन में कैसा अच्छा लगेगा उस हिसाब से आप यहाँ पर लाइट पॉइंट्स डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी रूम की सीलिंग लाइट्स लाइट पॉइंट्स लगा सकते हैं और उसका इलेक्ट्रिकल लेआउट बना सकते हैं। वॉल लाइट्स कैसे लगेंगी, कहाँ स्विच बोर्ड लगेगा, कितना सॉकेट्स लगेंगे, वो सब आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन से स्विच बोर्ड से कौन सी लाइट्स जलेंगी, वो आपको मेंशन करनी होगी। वो किस तरीके से मेंशन करते हैं हम दिखा देते हैं। जैसे कि हमें यहाँ से लाइट्स चलानी है ये वाली, और हम चाहते हैं कि ये चारों लाइटें एक ही स्विच से जल जाए, तो उसे हम किस तरीके से दिखाएंगे। हम चारों लाइटों को आपस में इंटरकनेक्ट दिखाएंगे और उसके बाद में हम सारी लाइट्स को यहाँ स्विच बोर्ड में दिखा देंगे। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये चारों लाइटें एक ही स्विच से ऑन हो रही है और वो स्विच इस सॉकेट के अंदर होगा। नेक्स्ट है हमारा फैन। फैन को हम टू वे रख सकते हैं, इस वाले स्विच सॉकेट में भी यूज़ कर सकते हैं और टेबल के पास में जो सॉकेट है वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे टू वे रखेंगे, तो उसे हम इस तरह से दिखाएंगे। इसका जो वायर है वो इस सॉकेट में भी जा रहा है और इस सॉकेट में भी जा रहा है। इसके बाद में कैबिनेट्स की जो लाइट्स हैं उन्हें हम कहाँ से ऑन करना चाहते हैं। रूम में एंटर करते ही इन लाइट्स की हमें ज़्यादा कोई नीड नहीं है, टेबल पे बैठ के भी आप इन कैबिनेट लाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन्हें टेबल से एक्सेस दे देते हैं। हम चाहते हैं कि दोनों लाइट्स एक ही सॉकेट, एक ही स्विच से जल जाए, उसके लिए हम इन्हें इंटरकनेक्ट दिखाएंगे और फिर इसे सॉकेट में दिखा देंगे। प्रोफाइल लाइट को भी हम चाहते हैं कि सारी लाइट्स एक साथ जल जाए और यहाँ से इस सॉकेट से जल जाए, उसके लिए भी हम इस तरीके से दिखाएंगे। वायरिंग को इस तरीके से इंटरकनेक्ट करने को हम लूपिंग कहते हैं। लूपिंग करने से हमारी वायरिंग की भी काफ़ी बचत हो जाती है और एक ही स्विच से बहुत सारी लाइटें ईजीली जल जाती हैं। इस तरीके से हमने हमारे सारे लाइट्स के फैन के पॉइंट्स दिखा दें कि हमें कौन से स्विच से उसको ऑन करना है। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल का लेआउट बनता है। इसे आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं, अपने कुछ आइडियाज़ लगा के, या इनके सिंबल्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी सिंबल आप बना रहे हैं उनको लेजेंड्स में मेंशन कीजिए, ताकि जो इस ड्राइंग को रीड करे वो आसानी से समझ सके। वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड में इसके प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके देखिए, और राइट साइड में आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक मिलेगा, और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।